वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़हीम अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा, आपका और हम सबका यूट्यूब चैनल द टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन में अपनी इमेज को किस तरीके से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे तो आपको एक सिंपल नोटिफिकेशन बार मिलता है, इसमें आप अपनी इमेज को किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपको इसको करने के लिए अपने मोबाइल रूट करना पड़ता था, लेकिन अब आप अपने मोबाइल को बगैर रूट किए हुए ही अपने नोटिफिकेशन बार में अपनी इमेज को लगा सकते हैं एक एप्लीकेशन की मदद से। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं वो कौन सी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम अपनी इमेज को अपने नोटिफिकेशन बार में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं, वहाँ से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। प्ले स्टोर में सर्च करेंगे कलर स्टेटस बार। तो फ्रेंड्स, ये कलर स्टेटस बार का आप यहाँ पे आइकन देख सकते हैं, इसकी रेटिंग 4.3 है, इसको 5000 लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप यहाँ से कर लीजिएगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ से एनेबल कलर स्टेटस बार पर टिक कर देना है। उसके बाद ये आप मोबाइल आपसे परमिशन मांगेगा, इसको आप ओपन कर लीजिए। आपके मोबाइल में कुछ और सेटिंग हो सकती है, लेकिन आपको परमिशन देनी है अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। उसके यहाँ से मैं इनेबल कर लेता हूँ इसको, यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब ये इनेबल हो गया, अब ये मेरे मोबाइल में काम करेगी। बैक कर लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपको ऊपर एक थीम का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट बहुत सी थीम मिल जाएंगी, लेकिन आपको अपनी कस्टमाइज़ करनी है तो उसके लिए आपको प्लस के निशान पर, ये ऊपर आपको प्लस का निशान मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको ये वाईफाई के बगल में जो खाली एरिया है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कलर इमेज। आपको इमेज लगानी है तो आपको इमेज पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको गैलरी पे लेके जाएगा, वहाँ से आप चूज़ कर लीजिए जो आपको इमेज लगानी है। चलिए मैं अपनी गैलरी पर क्लिक कर लेता हूँ। तो चलिए मैं अपनी इमेज पर क्लिक करके गैलरी से कोई पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ। पर यहाँ पर मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ जितना इसको चाहिए, इसको मैं डन कर दूँगा यहाँ से। उसके बाद आपको करना क्या है, ऊपर आपको एक सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ये सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, यहाँ पे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सेव पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद करना क्या है, आपको एक स्टेप बैक जाना है, बैक करिए, उसके बाद यहाँ से एक्सिट कर दीजिए आप। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आइए, ये आपकी थीम जो आपने अभी कस्टमाइज़ की है यहाँ पर आ गई है। अब आपको वाईफाई के बगल में जो भी एरिया दिख रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए, अब ये आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। तो फिर चलिए मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ ये आपको किस तरीके से दिखेगी। तो बैक कर दिया, ये देखिए, ये फ्रेंड्स देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन बाद में बैकग्राउंड में मैंने जो पिक्चर सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे लग चुकी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा और हमारी ये दो वीडियो देखना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस सर्कल पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।